पतंग उड़ाने की सोची, पर मेरे पास तो पतंग ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, आज हम बनाएंगे प्लास्टिक की थैली से पतंग। इसके लिए ली मैंने कैंची, दो रील और दो झाड़ू की तिल्ली। अब बनाते हैं पतंग। सबसे पहले मैं पन्नी को दोनों तरफ से काट रही हूँ। आप भी पतंग बनाने का ट्राई जरूर करना। के बाद मैंने थैली को सीधा कर दिया और एक साइड से काट दिया। पहले इसको ट्रायंगल की शेप में मिला लेंगे, फिर ट्रायंगल को काट लेंगे और काटने के बाद ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर के कोने पर झाड़ू की तिल्ली को बांध देंगे, फिर दूसरी तरफ से भी तिल्ली को बांध देंगे और दूसरी तिल्ली लेंगे और स्क्वायर के तीसरे कोने पर बांध देंगे, फिर चौथे कोने पर इस तरह से बांध देंगे। पतंग तो तैयार हो गई है, पर इसकी पूंछ भी तैयार कर लेते हैं। अरे ये पूंछ बन गई, देखो देखो देखो, पतंग बनकर तैयार है। अब मैं बांध रही हूँ पतंग की कन्नी। अगर आपने भी ऐसी पतंग बनाई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पतंग की कन्नी बंद गई, चलो चलो पतंग उड़ा के देखते हैं। ये क्या, मेरी पतंग तो उड़ने लगी, तो मस्त उड़ रही है। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है।